यहाँ पे तुम्हारे बाप का नहीं, जब मन हुआ मुंह उठाए चले आए। पिछले 10 दिनों से तुम लेट आ रहे हो। कब से बोल रहा हूँ तुम्हें टाइम से आया करो, टाइम से क्यों नहीं आते तुम? सर मेरी कुछ मजबूरी है इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। अरे मजबूरी है तो घर में बैठो ना, नौकरी क्यों कर रहे हो? क्या टाइमिंग है? सर 9 बजे की। और क्या टाइम हुआ अभी? सर 11:30। तुम्हारे समझ में नहीं आता, बाकी लोग पागल है जो टाइम पे आते हैं। तुम एक काम करो, इस कुर्सी पे बैठ जाओ और इस कंपनी के बॉस बन जाओ, फिर जब मन करे तो आना, नहीं तो चले जाना, ठीक है? आई एम सॉरी सर। पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हारा सॉरी सुन रहा हूँ, आज मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ। अगर आज की बात तुम लेट आए तो जॉब छोड़कर घर में बैठ जाना, ठीक है? अब जाओ। रोज अरे आज टाइम से, रुको एक मिनट। सर आपने हमें बुलाया? फिर रोज इतने दिनों बाद टाइम से आया, जरा इसलिए ताली तो बजाओ। छोड़ने के डर से टाइम पे आ गए, जब मैं बोलता कि टाइम पे आ तो टाइम पे नहीं आए। जॉब तुम्हें इतनी प्यारी है। सर जॉब छोड़ने की वजह से मैं जल्दी नहीं आया। तो क्या रीज़न है? सर मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके लिए दवाई लेकर जाना, खाना लेकर जाना, घर के सारे काम करना, इसलिए मैं लेट हो जाता था। तो आज खाना देकर नहीं आए? नहीं। क्यों, क्यों देकर नहीं आए? क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है आप लोग जाओ। उनकी डेथ हो गई सर, अब मैं रोज टाइम से आ जाया करूंगा। अच्छा हो गया ना सर, मेरी माँ चली गई, अब मैं रोज टाइम से आया जाया करूंगा। आपको ना सर एक मौका भी नहीं मिलेगा आप मुझे डांटने का। आपको क्या लगता है सर ये जॉब मुझे प्यारी है? नहीं सर, मेरी माँ मुझे प्यारी थी, उनके लिए ना सर मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, फिर ये जॉब क्या चीज़ है? सर आपने तो आसानी से कह दिया कि टाइम पर आओ वरना घर पर बैठो, लेकिन आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं लेट क्यों आ रहा हूँ। आपने ये कभी किसी से जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्यों मायूस बैठा रहता हूँ। पैसा तो आप लोग बहुत कमाते हैं सर, लेकिन आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो। सॉरी फिरोज, मुझे ये सब नहीं पता था। कोई बात नहीं सर, अब मैं रोज टाइम से आया करूँगा और अच्छे से काम करूँगा।